हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आपका अपना चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, मैं द एडिटोरियल पेज लेके आया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है टॉपिक, इसमें सबसे पहला आर्टिकल दिया है फ्लाइट ऑफ सेफ्टी। दूसरा आर्टिकल है नेशनल वर्सेस रीजनल। तीसरा टॉपिक है व्हेन द सुपरवाइजर स्लेप्ट। और चौथा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ रेकनिंग। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या है। हमारे पास चार टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो फ्लाइट ऑफ सेफ्टी। उसमें जो नॉर्मली मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें जो ये फार्मर्स के बारे में दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल वर्सेस रीजनल। वो हमारे पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी और डीएमके के रिगार्डिंग कुछ इशू हैं, वही उन्हीं के बारे में बताया है। उसका तीसरा जो है व्हेन द सुपरवाइजर स्लेप्ट, ये जो है ये पीएनबी और आईसीआईसीआई में जो घोटाला हुआ उसके बारे में है, ठीक है। और ये चौथा जो है मोमेंट ऑफ रेकनिंग, ये हमारे फेसबुक में जो हुए हैं प्रॉब्लम, जो लीकेज हुआ है उसके रिगार्डिंग है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं आज का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अगर आए तो आपको पता चले। तो चलिए देखते हैं फ्लाइट ऑफ सेफ्टी। फ्लाइट ऑफ सेफ्टी में ये बताया गया है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, शुगर केन सीरियल्स ये सब के तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सब में उन लोगों को ज़्यादा पैसे, ज़्यादा आमदनी होती है। उसके बाद जैसे कि इस यहाँ पे एक ये दिया गया है कि 8300 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिए गए हैं। उसके वैसे ही 2213 करोड़ जो है वो 31 मार्च तक अनपेड रहे हैं फार्मर्स को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी मतलब फार्मर है, फार्मर को सही टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है फार्मर को। उसके बाद इससे ये साबित हो रहा है कि जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स दूसरे वेजिटेबल और भी कुछ सीरियल्स उगाते थे, वो अब मोस्टली शुगर केन और सीरियल्स में आ रहे हैं, और जो ऐसे स्टेप्स पे आ रहे हैं जो मतलब अच्छा हर क्लाइमेट में विदस्टैंड कर सके, टिक सके, समझे। तो इसमें जो है 19% फार्मर जो यूपी में हैं वो इस तरफ शुगर केन के तरफ बढ़े चल रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी लगभग वही सीन है। तो इससे ये हो रहा है कि जो शुगर केन, वीट, बाजरा ये सब के जो है बिक्री, ये सब मतलब ज़्यादा हो, ये सब के उत्पाद ज़्यादा हो रहे हैं। और जैसे कॉटन हो गए, उसके बाद पोटैटो, टमाटो, ओनियन, ये सब के जो बिक्री है ये सब के कम दाम में बिक्री होते हैं, तो जिस वजह से इसकी जो है कम उपजाऊ हो रही है, समझे। तो इसमें जो आगे लिखा है मैं आपको बता दूं कि शुगर केन के लोग क्यों पसंद करते हैं ज़्यादा, क्योंकि पहली बात ये वाटर इसको कम चाहिए होती है, उसके बाद नीलगाय ये सब मतलब, और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस, ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये टिक सकते हैं। उसके बाद इसके जो लिप्स होते हैं वो ग्रीन टॉप लिप्स होते हैं, वो जो होते हैं वो खाने के चारा के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपल पर्पस है इसका, मल्टीपल यूज़ होता है, तो इसीलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद पेडी, वीट, इन सभी का भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो इन्हें ही जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा उपजा रहे हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स को ये पता होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही चीज़ उपजाएंगे तो आपको दूसरा चीज़ जैसे टमाटो, ओनियन ये सब दूसरे कंट्री से अगर आपको ख़रीदना पड़ेगा दैट वुड बी सो मच कॉस्टली। तो आपको हर चीज़ को इक्वल उगाना चाहिए। और हाँ, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारे गवर्नमेंट को भी हेल्प करते रहना चाहिए फंडिंग के थ्रू।
उसके बाद इसमें ये लिखा गया है कि मिनिमम सेल्स प्राइस जो है वो नहीं मिल पाता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया गया है, टमाटो, उसके बाद ओनियन, पोटैटो, ये सब जो है, पोटैटो आगरा में 6 से 7 रुपए केजी बिकते हैं, ओनियन जो है वो महाराष्ट्र में लगभग 6 से 7 रुपए बिकते हैं, असलगांव नाम का एक जगह दिया गया है, टमाटो एक कॉलर नाम का जगह दिया गया है, कर्नाटक में है, ये भी 6 से 7 रुपए किलो के आसपास बिकते हैं, जो कि और दूसरे कंट्री में और दूसरे स्टेट में आप देखेंगे तो कभी कभी ये 60 रुपये 80 रुपये किलो हो जाते हैं। हाँ, पोटैटो की रेट जो है वो थोड़ी कम जरूर रहती है, लेकिन बाकियों की रेट हाई रहती है। तो यही हम लोग को देखने को मिला। और इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि कॉटन के बारे में भी इन्होंने ज़रूर बात किया है। कॉटन जो है, हाँ, हमारे पास हाइब्रिड ज़रूर है, हमारे पास सीड्स हाइब्रिड हैं, लेकिन हाइब्रिड हैं तो भैया उसके जो डिजीज़ हैं, जैसे वाइट फ्लाई है, पिंक बॉल वॉर्म है, ये सब अटैक करते हैं, जिससे जो होता है उसे कॉटन में इफेक्ट पड़ता है। तो वही बताना चाह रहे हैं कि भैया जो इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो उसमें काफ़ी मेहनत भी लगता है, और उस तरह से उन्हें मिनिमम सेल प्राइस भी नहीं मिल पाती है सरकार के तरफ से या फिर नॉर्मली। तो जब इन्हें इनका नुकसान हो रहा है तो भैया ये कैसे कर सकते हैं, आम किसान अपनी रोजी रोटी मार के कैसे कर सकते हैं। आइए, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो नेशनल वर्सेस रीजनल। नेशनल वर्सेस रीजनल काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी जो है वो मानते हैं कि वो एनडीए मतलब अलायंस जो है वो कर रही है, उसके बाद 2014 से पार्टी रन कर रही है, लेकिन जो उन्होंने तुलना किया है अटल बिहारी वाजपेयी के जो टाइम में एनडीए थी और नरेंद्र मोदी के टाइम में जो एनडीए है, वो दोनों एक जैसी वर्किंग, एक जैसी फंक्शनैलिटी नहीं कर रही है। जो छोटे रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ को ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन्होंने ये बताया कि 29 में से 20 स्टेट जो है जहाँ बीजेपी पार्टी रन कर रही है, बीजेपी जो है वहाँ लीडिंग है, सिर्फ 9 स्टेट में ही दूसरे पार्टी है। तो इन्होंने बताया कि शिवसेना हो गए, पीडीपी हो गए, अकाली दल, जेडीयू, ये सब जो हैं, ये सब से मतलब उतनी सलाह नहीं ली जा रही है, किसी भी फंक्शन के लिए इनसे सलाह नहीं ली जा रही है, जो काफ़ी गलत बात है। तो अब इनसे सलाह नहीं ली जा रही, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दे के बताया कि जब वाजपेयी जी की जो एनडीए सरकार थी, एनडीए सरकार में उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड था, उनका जो था उनका सुझाव उन्होंने नहीं दिया था, चंद्रबाबू नायडू ने ही बताया। इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे इनोग्रेटिव सोच ये सब जो रीजनल पार्टीज होते हैं ये सब भी बताते हैं। तो भैया आप सभी से राय लो, क्योंकि उनकी भी 2019 से जो चुनाव होने वाले हैं उनकी भी आपको इम्पोर्टेंट पड़ेगी वोट। तो भैया आप सभी के वोट को लो और सभी को मतलब आप ध्यान दो। उन्होंने ये बताया कि यूपीए की भी सरकार बनी, UPA 1, UPA 2, इसकी भी ऐसी कोई हालत नहीं थी, लेकिन NDA 1 और NDA 2 की भैया बहुत ही खस्ता हालत है। NDA 1 जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी को कहा, NDA 2 जो है वो अभी की सरकार को कह रहे हैं। तो NDA 2 में जो है वो सिर्फ बीजेपी का ही मनमानी चल रहा है, क्योंकि ये फुल मेजोरिटी में अभी है, तो मनमानी तो भाई चलनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपको हो सकता है 2019 के इलेक्शन में आपको सरकार बनाने के लिए दूसरे पार्टियों को सहायता लेना पड़े, इसीलिए आपको सभी से बातचीत करके रखनी होगी। और हाँ, आप सभी से जब बात करते हैं, छोटे पार्टी को भी अगर आप भाव देते हैं, तो हो सकता है कुछ नया सोच जो छोटे पार्टियों के पास है वो आपको मिले, और आप कभी हो सकता है उसमें नाम बढ़े। जैसे गोल्डन कॉर्डिनेटर था, कितना अच्छा प्रोसेस था, अभी जो है कितने स्टेट्स जो है उसे कनेक्टेड है। तो कुछ इसी तरह से है, इन्होंने ये लिखा है कि भैया आप सभी की सहायता करो, सभी से हेल्प लो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है
When the supervisor slept. चलिए भैया इसमें आते हैं, when the supervisor slept. तो इसमें इसमें बात हुई है पीएनबी और आईसीआईसीआई में जो घोटाले हुए. पीएनबी में तो भैया किसने की घोटाला, नीरव मोदी ने. उसके बाद आईसीआईसीआई में किसने किया, आई थिंक पैनासोनिक, राइट. मैं आपको बता दूंगा बाद में. तो चलिए इसमें शुरू करते हैं. तो इसमें ये कहना है राइटर का, राइटर जो है इला पटनायक, इनका ये कहना है कि जो ये जो घोटाले हुए हैं इसमें सुपरवाइज़र का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है. इसमें इन्होंने दो चीज़ का जिक्र किया है, कोड बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस और स्विफ्ट. नीरव मोदी वाले जो कांड हुए हैं उसमें ये दोनों ही नाकाम रही है भैया, कोड बैंकिंग सॉल्यूशन और सोसाइटी ऑफ स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. तो इसमें क्या हुआ कि नीरव मोदी जो थे वो लोन सेंक्शन करा के दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे, तो स्विफ्ट का इसमें योगदान था, स्विफ्ट को इसमें ध्यान देना चाहिए था. लेकिन इसे यही बताया है कि जो सुपरवाइज़र थे वो सुपरवाइज़र ने अपना काम सही से नहीं किया, अपना काम सही से नहीं किया जिसके वजह से इतना जो बड़ा घोटाला है जो बताया जा रहा है लगभग 1400 करोड़ का घोटाला है. तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, 14000 रुपये भी आजकल किसी की सैलरी नहीं है. काफ़ी इंडिया में पॉपुलेशन है जो 14000 से कम के सैलरी में वर्क कर रहे हैं. तो यही बताया है कि 14000 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर लिया. तो इसमें जो सुपरवाइज़र था इनका अहम रोल था. इन्होंने ये बताया कि सुपरवाइज़र जो थे उन्होंने अपनी जांच पड़ताल सही से नहीं की. सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, सुपरवाइज़र का काम होता है कि आप किसी कंपनी को अगर कोई बैंक दे रही है लोन तो उसके बारे में जानकारी लेना होता है आगे पीछे की, कि हाँ भाई ये बैंक ये कंपनी कैसी है, ये कैसी फंक्शनैलिटी है इस कंपनी की, कैसा काम करता है, कैसे सब कुछ है, लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, अगर लोन नहीं दे पा रहा है ड्यू टाइम पे तो क्या करना चाहिए. ये सारे जो काम होती है सुपरवाइज़र की होती है. तो इसमें सुपरवाइज़र पूरी तरह से नाकाम रहा है. उसके बाद जी हाँ ये बता दें कि इसमें जो सीबीआई और ईडी की जांच हुई थी तभी ये सब के बारे में पता चला, इससे पहले ये सब के बारे में पता नहीं था. तो सीबीआई और ईडी जो है इससे पहले ये बताई है मैडम ने कि आरबीआई को इसके बारे में लगभग 2 साल पहले से ही पता था कि हाँ भैया घोटाला तो हो रहा है, घोटाला माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी तबीयत नासाज है जिसके वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ. तो मुझे जब मौका मिलता है मैं वीडियो दे देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ. उसके बाद इन्होंने ये बताया कि हाँ जो पीएनबी और आईसीआईसीआई था ये दोनों में सुपरवाइज़र की काफ़ी अहम रोल थी. उसके बाद आईसीआईसीआई जो है ये जो रोल पीएनबी और आईसीआईसीआई का जो ये साबित हुआ है तो इससे अब तो भाई ये पता चल गया. पहले जो थी बैंकें वो डिमांड करती थी कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बना दें, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बना दें. लेकिन हम भैया इस तरह से कांड करोगे तो प्राइवेट सेक्टर कैसे बनेगा. अब तो कोई बैंक है ये भी नहीं कह सकती कि हाँ भैया अब मुझे प्राइवेट सेक्टर बना दो. और हाँ आरबीआई का ये कहना है कि इस तरह से जो है इस तरह से अगर घोटाले हुए तो ना कि पूरे सिस्टम को इसका जो है
चुकाना पड़ता है, पूरे सिस्टम प्रॉब्लम होते हैं। अब भाई 14,000 करोड़ कोई आम बात तो है नहीं, तो अल्टीमेटली पूरे सिस्टम से ही परेशान होना पड़ता है पूरे सिस्टम को। तो इससे जो होती है वो बैंकिंग फैसिलिटी पे सवाल आता है, बैंकिंग फैसिलिटी जो है उन पे क्वेश्चनिंग आता है कि हाँ भैया आप कैसे काम कर रहे हो, किसे पैसा दे रहे हो, कुछ पूछ के तो दिया करो। उनकी क्रेडिबिलिटी पे इमेज क्वेश्चन उठता है। तो यही सब इनमें कहना है, तो इनमें यही कहना है कि जो सुपरवाइज़र है उनका वो सही से काम करें अपना। अगर सुपरवाइज़र सही से काम नहीं करेंगे तो इसका जो है झेलना पड़ेगा आम आदमी को। इस तरह के देखने पड़ेंगे कि हाँ भैया इस तरह के लोग पैसे लेके भाग रहे हैं। तो हाँ, अब जो चौथा है अपना, चौथा है हरी कृष्णन नायर ने काफ़ी अच्छा चीज़ लिखा है, मोमेंट ऑफ रेकनिंग। ए मोमेंट ऑफ रेकनिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आजकल लगा। इनका लिखने का तरीका जो है वो शानदार है भैया। तो इन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया, स्टार्टिंग किया कि भैया मेरी माँ है, वो 30 साल पुराने एक संतोष नाम का बंदा से मिली थी, अब उसे ढूंढ रही है। तब उसे ढूंढ रही है, उसकी माँ ने कहा कि भैया मैंने तो गूगल कर लिया, मुझे नहीं मिला, अब तुम ढूंढो के बताओ। उसके बाद जो ऑथर जो एडिटर हैं, एडिटर है, फेसबुक में ढूंढा, 10 मिनट के अंदर में संतोष कुमार उनके हाजिर थे। तो उन्होंने ये बताया कि भैया देखो, हम एक कंट्री में हम किस तरह से हम किसी को ढूंढ लिए विद इन कुछ मिनट में हम ढूंढ लिए, तो ये बड़ी बात है। 10 मिनट के अंदर में एक कंट्री में 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी के कंट्री में हम उसे ढूंढ लिए किसके बदौलत। फेसबुक में कोई ज़रूर अच्छी एल्गोरिथम या फिर कुछ होगी फैसिलिटी जिसके वजह से हमने इतनी आसानी से ढूंढ लिया। तो भैया फेसबुक जो है वो काम की तो चीज़ बहुत पुरानी है अपनी। फेसबुक जो है हम लोगों को बहुत ही सहायता कर रही है, हमारी जो रग रग में अब बस चुका है फेसबुक। हम सबसे पहले आप बताइए जो भी सुन रहे हैं, फेसबुक से पहले हाँ आपने बहुत कम ही साइट ऐसे यूज़ किए होंगे सोशल साइट। अब फेसबुक जो है वही साइट जो है हम लोग को जीने का तरीका दिया। यही जो फेसबुक साइट था इसी से कई इंजीनियर स्टूडेंट, कई इंजीनियर अपना इंटर्नशिप कर सकें। तो ये फेसबुक जो साइट है ये काफ़ी लोगों का हेल्प का जरिया बना, काफ़ी लोग जो है इनसे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। फेसबुक को वो अपने आम दिल में बसा चुके हैं, वो अपने आम डेली रूटीन में बसा चुके हैं, और उस डेली रूटीन से निकाल पाना फेसबुक का इतना आसान नहीं है भैया। अब चाहे आप कितना भी नारा लगा दो कि डिलीट फेसबुक, इस तरह के नारा लगा दो भैया, इतने आसानी से फेसबुक डिलीट नहीं होने वाली है। हाँ, मार्क जुकरबर्ग का ये कहना है कि एक सेकंड, मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि वो जो उनके लिए ज़्यादा अहमियत तो उनके कस्टमर है और उनकी जो उनकी डिटेल्स ज़्यादा अहमियत है, ना कि पैसे। तो वो कस्टमर्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि किस तरह से उनकी जो है डेटा को सेफ रखा जाए। तो इससे पहले ही बता दूं कि 2009 में इस तरह से डेटा लीकेज का केस आया था, तो उसके लिए भी फेसबुक ने आगे बढ़ के उसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसे अपने जो सिक्योरिटी है उतने सिक्योरिटी को वो अच्छा करने की पूरी तरह कोशिश किए थे। अब लेकिन भैया खुरापात दिमाग तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। फिर किसी ने, जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे लिखा गया है, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने केस किया कि हाँ भैया मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज है फेसबुक के, मैंने निकाल लिए। तो इस तरह से कोई भी निकाल सकता है, किसी के जो है वो सेफ नहीं है।
तो आप किसी के, आप अगर कस्टमर को सेफ नहीं रख, कस्टमर के डिटेल्स को सेफ नहीं रख सकते हैं तो कस्टमर कैसे आप पे भरोसा करे भैया। तो कस्टमर आप पे भरोसा नहीं करेगी और कस्टमर चली जाएगी। तो वही लोगों ने स्लोगन दिया कि डिलीट फेसबुक। लेकिन भैया फेसबुक को डिलीट कर पाना इतना आसान थोड़ी है। अब हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं तो फोटो खींचते हैं और फेसबुक के डायरेक्ट पोस्ट करते हैं कि हाँ भैया देख लो, हम यहाँ पे इस होटल में सीसीडी में हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, देख लो और जलो मेरे से। तो इतना आसान थोड़ी है हमारे दिल से निकालना। तो हाँ, फेसबुक को इसमें काम करना चाहिए। फेसबुक को काफ़ी, फेसबुक के यूज़र है और फेसबुक जो है वही सबसे पहले सोशल साइट इंडिया में थी जो इतनी लार्जली पॉपुलर हुई थी। उसके बाद उसके तरह कितने सारे उसे देख के नए नए साइट, नए नए सोशल साइट्स आए जिन्हें बहुत को तो फेसबुक ने ख़रीद भी लिया। जैसे कि व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप को ख़रीद लिया फेसबुक ने, अच्छा लगा, अच्छा मार्केटिंग कर रहा था, ख़रीद लिया। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि भैया फेसबुक जो है इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। हाँ, फेसबुक अपनी जो है फैसिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है, अपनी फैसिलिटी को इम्प्रूव करे, अपनी टेक्नोलॉजी मेंटेन करे, उसके बाद हम कस्टमर जो है कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। और इसी के साथ मैं जो है ये जो भी ये सारा एडिटोरियल व्यू था, एडिटोरियल रिव्यू मैं ख़त्म करता हूँ। आज के एडिटोरियल रिव्यू मैंने सारे दे दिए। 9 अप्रैल के इतने एडिटोरियल रिव्यू थे, 4 थे। आशा करता हूँ दी गई आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, जो जी में आना हो वो करें। अगर हाँ आपको बुरा लगे तो आप उसे डिसलाइक भी ज़रूर करें और आप कमेंट में बताएं आपको क्यों बुरा लगा, कैसे बुरा लगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि हमारे आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, ताकि अगले वीडियो के लिए मुझे बनाने के लिए और जोश मिल सके और उत्साह हो सके। धन्यवाद।